देवदत्त जी, आपका हार चुराने वाला और कोई नहीं, आपका माली है। नहीं, मेरे हाथ तो काली खाई नहीं, फिर मैं कैसे? इसीलिए तो तुमने हार चुराया है। वो कैसे ऋषि कुमार? देवदत्त जी, गुरुदेव की कुटिया में ऐसा कोई चमत्कारी दीपक था ही नहीं। मैंने उस दीपक में ऐसा तेल डाला था जिससे काला धुआं निकलता है। यदि कोई भी अपना हाथ उस लौ के ऊपर रखेगा तो कहीं ना कहीं हाथ पर कालिख लग जाएगी। इन दोनों ने चोरी नहीं की, इसलिए पूर्ण आत्मविश्वास के साथ इन दोनों ने उस दीपक के ऊपर हाथ रखा। लेकिन आपके माली ने चोरी की थी, इसलिए इसने सोचा कि अगर ये अपना हाथ उस लौ के ऊपर रखेगा ही नहीं तो हाथ स्वच्छ रहेंगे और हमें से किसी को पता नहीं चलेगा कि इसने हाथ रखा ही नहीं है। माली, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है, अपने स्वामी से क्षमा मांगो और उन्हें उनका हार लौटा दो। मालिक, क्षमा मालिक। कोई बात नहीं, प्रणाम ईश्वर, प्रणाम ऋषि कुमार। चलो, गुरुदेव कहो। बहुत ही विचित्र दृश्य देखकर आ रहा। क्या वो कपालिक दंडनाथ, वो अभी भी जीवित है? उसका सर, उसका धड़, वो दोनों अलग अलग है परंतु फिर भी वो जीवित है। ये कैसे हो सकता है? वो कपालिक होते हैं राम, कपालिक अघोर सिद्धियां करते हैं, इसलिए वो अपने प्राण अपने देह से दूर किसी अज्ञात स्थान पर रखने में सक्षम होते हैं। ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। गुरुदेव, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ये ध्यान रहे कि वो तुम्हारा फरसा ना चुरा पाए। एक बात और, तुम्हें और तुमसे जुड़े हर व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। सावधानी तो योद्धाओं की पहली शिक्षा होती है गुरुदेव। कल्याण भव। प्रणाम रेणुकामाए। प्रणाम। प्रणाम रेणुकामाए। प्रणाम। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। हर दिन इसी मिट्टी से घड़ा बनाती हूँ, आज बन क्यों नहीं रहा? शकुन पक्षी का स्वर भी सुनाई दिया था, कहीं ये किसी अपशगुन के संकेत तो नहीं? मछली कहां से आ गई? ये मछली कहां गई? गिरती हुई भी नहीं दिखाई दी।
ये हो क्या रहा है? क्या ये भी किसी भावी घटना के पूर्व संकेत है? माहेश्वर, आप तो कहते हैं रेणुका भगवान विष्णु के आवेश अवतार की माता है, तो फिर उनके साथ ये लीला क्यों हो रही है? कभी मत्स्य का देखना, लुप्त हो जाना, अंततः ये सत्य है या मिथ्या? देवी, आपको आपके पूर्व जन्म का स्मरण तो होगा ही, जब आपने प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में अवतार ग्रहण किया था। हाँ देव, स्मरण तो है। तब आपको यह भी स्मरण होगा देवी कि जब सती नन्ही बालिका थी, तब उनकी अन्य बहनें विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाओं का आनंद लेती, किंतु आप उनसे कुछ अलग व्यवहार करती थी। जैसे? जैसे जब सरोवर में आपकी बहनें एक दूसरे पर जल उछालती, तब आप उनसे अलग ही थी। आप जल में कुछ ढूंढती रहती, और जब आपको गोल पत्थर दिखाई देता, तब आप उसे उठाकर अपने पास सहज कर रख लेते। वन विहार के लिए अपनी बहनों के साथ जाते तो वो वृक्षों पर झूला डालकर झूलने का आनंद लेती, चट्टानों के मध्य छिपने की क्रीड़ा करती, किंतु आप वहां धरा पर पड़े पत्थरों में से गोल पत्थर चुनती। आपके अवचेतन मस्तिष्क में गोल पत्थर के प्रति एक आकर्षण सा रहता। हाँ देव, ये तो होता था मेरे साथ। आपकी माँ देवी असिखनी आपके इकट्ठे किए हुए गोल पत्थरों को फेंक देती, जिससे आप रुष्ट हो जाते। फिर एक दिन देवर्षि नारद ने उन्हें समझाया कि सती को जो पत्थर में दिखाई देता है, वो आपको नहीं दिखाई देता। आप जिसे मिथ्या समझती हैं, सती को वो सत्य दिखाई देता है। आपको स्मरण होगा देवी, उन्होंने आपकी मां से कहा था कि ये सती के भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्व संकेत है, अर्थात सती का योग मेरे साथ होना था। इसलिए मेरे लिंग रूप के प्रतीक गोल पत्थरों को देख आप आकृष्ट हो जाते। इसी प्रकार ये जो देवी रेणुका के साथ घटित हुआ है, ये भी भविष्य में होने वाली किसी बड़ी घटना का पूर्व संकेत हो सकता है। किसी बड़ी घटना का पूर्व संकेत? ऐसा क्या हो सकता है देव, जो सत्य भी हो और मिथ्या भी? जीवन भी तो सत्य है और मिथ्या भी। आज जीवन है और कल क्या हुआ रेणुका? आने में बड़ा विलंब हो गया। स्वामी क्षमा करें, मैं उचित समय पर जल ले आती, परंतु वहां एकाएक कुछ विचित्र सी घटना घटने लगी थी। मैं जैसे ही जल भरती, मुझे घड़े में मछली दिखाई देती। जब घड़े का पानी वापस गिराती, तो मछली न जाने कहां लुप्त हो जाती। मैं जब जब घड़ा जल से भरती, तब तब यही होता। हे महादेव, ये कैसी लीला है? क्या ये किसी अपशगुन के संकेत है? यदि है तो मुझ पर कृपा करिए, मेरी मदद कीजिए, अपशगुन को दूर कीजिए। स्वामी, मैं इसका कारण समझ नहीं पा रही कि ऐसा क्यों हो रहा था।
संसार के रंगमंच पर हम तो मात्र, उस लीलाधर के पात्र, करने वाला वही है, उसकी लीला वही जाने, हम तो बस इसे एक संयोग कह सकते। परंतु पिताश्री, ये मात्र कोई संयोग तो नहीं। पुत्र सुषेण, जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जिनका रहस्य समय के साथ बाहर आता है, हम बस उनकी प्रतीक्षा कर सकते हैं। स्वामी, आपसे तो भूत, वर्तमान और भविष्य कुछ नहीं छुपा, आप ही इस रहस्य से पर्दा उठाएं। कदाचित जीवन की क्षण भंगुरता का अर्थ हमें निकट भविष्य में समझ में आने वाला है। कहां जा रहे हैं आप? वो राम है ना जी, अथर्वण ऋषि के पौत्र, बस उन्हीं के पास। अभी आप उनसे नहीं मिल सकते। देख नहीं रहे हैं आप, वो ध्यान में लीन है, आप बाद में आइए। हे महा अथर्वण की संतान, क्या तुम्हारे द्वार पर आए हुए रोगियों के साथ ऐसे ही व्यवहार किया जाता है? मुझे तुमसे मिलने से रोका जा रहा है। क्यों शोर मचाकर उनके ध्यान में विघ्न डाल रहे हो? जाओ यहाँ से। मैं यहाँ पीड़ा से मरा जा रहा हूँ और तुम मुझे डंडे से रोक रहे हो। ए ढोंगी संतों, तुम ही तो कहते हो ना कि शरीर में भ्रम का वास होता है, तुम्हारे ये मूर्ख साथी ब्रह्म को तुम्हारे पास आने से रोक रहे हैं। आना, बाद में आना। प्यासा जब मर जाए तो उसे जल पिलाने से क्या लाभ? देखो राम, मैं कह देता हूँ, अगर मुझे तत्काल सहायता नहीं मिली तो मैं अपने गुरु दत्तात्रेय से कह दूंगा कि तुम कितने संवेदनाहीन हो गए हो। लगता है तुम अपना मानसिक संतुलन खो चुके हो। जाओ यहाँ से। नहीं, जब तक मेरे रोगों का उपचार नहीं हो जाता मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। बड़े हठी हो तुम, उत्पात करके पूजा में विघ्न डालोगे तो महापाप लगेगा तुम्हें। शांति, क्षमा करें, आपको कष्ट हुआ, आप मेरे साथ मेरे पिताजी के आश्रम चलिए, आपका वहीं उपचार जाएगा। अरे मूर्ख, तेरे अनुचर मुझे सता रहे हैं और तू सेवा की बात करता है, तुझे मेरी ये हालत नहीं दिखती, कैसे गिरते पड़ते मैं यहाँ तक आया हूँ। परंतु आपका उपचार कैसे हुआ? तुझे उपचार करना है तो मुझे अपनी गोद में उठा कर ले चल। चल। ऋषि कुमार, ऐसे ऋषि कुमार, कुष्ठ रोगी है ये, मत छू ऐसे ऋषि कुमार। ऋषि कुमार क्या कर रहे हो आप? मत छू ऐसे ऋषि कुमार, कुष्ठ रोगी है ये, मत छू ऐसे ऋषि कुमार। भैया सुषेण, इन्हें उपचार जरूरत है। भीतर लेकर चलो। क्या देख रहे हो?
क्या हंसी ठिठोली लगा रखी है? मैं हंसी का कोई पात्र हूं क्या? क्षमा करें भगवान, किंतु मैं देखने का प्रयास कर रहा हूं कि आपके बाकी के दो और शीश कहां हैं। दो और शीश? तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है क्या? बस गुरुदेव बस, अब आप अपना स्वयं परिचय देंगे या मतलब क्या है तुम्हारा? मैं जान गया हूं कि जो आप वास्तविकता में दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं आप वो हैं नहीं। क्या जान गए हो? कैसे जान गए हो? कैसे? प्रथम जब मैं आपसे मिला तो आपकी छाया धरा पर नहीं पड़ रही थी। पुनः जब मैंने आपको गोद में उठाया तो आपके देह से कुष्ठ रोग के दुर्गंध के स्थान पर दैविक सुगंध आ रही थी। अब ये माया त्यागिए और दर्शन दीजिए गुरुदेव। दत्तात्रेय आप, ओ भाग्य हमारे जो स्वयं दत्तात्रेय भगवान हमारे घर पधारे। हम तो ये देखने आए थे कि सफलता ने राम की सब वेदनाएं तो नहीं हार ली। देवी रेणुका, आपने उत्तम संस्कार दिए अपने पुत्रों को। भगवान, मैंने तो मात्र माँ होने का उत्तरदायित्व निभाया है। गुरुदेव, मैं तो चरण रज हूँ आपका। आप अपने शिष्य को आशीर्वाद दे कि उसे जीवन में कभी भी अभिमान ना हो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है राम, किंतु आज मैं कुछ और भी देने आया हूं। राम, तुम्हें जीवन में अनेक कठिन कार्य करने हैं, अतः मैं आज ऐसी शक्ति प्रदान करने आया हूं जिसके द्वारा तुम अंधकार में भी देख सकोगे। इस संसार का निर्माण करने वाले पंच महाभूत तत्व धरा, जल, अग्नि, वायु और आकाश अपना तत्व का सार प्रदान करें। ओम ओम ओम। समस्त संसार पर सहस्त्रों सहस्त्र नेत्र से दृष्टि रखने वाले सूर्य देव अपनी तेजमय शक्ति से इस पंच तत्व के मेल से बनी आभा को तेज प्रदान करें।